अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, मैं बना रही बीफ मसाला। मैंने दो प्याज और थोड़े से पपीते को ग्राइंड कर लिया और फिर मैंने इसे गोश्त में डाल दिया। एक चम्मच मैंने इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, दो चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाला है, एक चम्मच जो है मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है, भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, एक चम्मच हल्दी है और दो चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला है। और उसके बाद थोड़ा सा उलट पुलट कर लेंगे। थोड़ा सा उलट पुलट करने के बाद इसमें आप गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला मैंने यहाँ पे दो चम्मच यूज़ किया है। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें आपस में और गोश्त में सारा मसाला लग जाए। एक चम्मच नमक डाल लें और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें कि गोश्त में सारा मसाला मिक्स हो जाए और इसे 2 घंटे या आधे घंटे के लिए रख दें। उसके बाद कढ़ाई में जो है आप तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद आपने गोश्त डाल देना है। गोश्त डालने के बाद आपने इसे थोड़ा सा जो है कुक करना है। कुक करने के बाद पानी डाल देना है, जो मैं शूट नहीं कर पाई। अगर आपका गोश्त ऐसे ही गल जाता है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं। फिर कैप कर दें। जब गोश्त गल जाए तो आप टमाटर डाल दें। टमाटर डालने के बाद आप कैप कर दें। कैप करने के बाद जब टमाटर गल जाए तो इसे आप भून लें। आप इसे सिर्फ भूनेंगे, इतना भूनें कि इसका पानी सूख जाए और तेल ऊपर आ जाए। आप देखें मैं इसे अच्छी तरह से भून रही हूँ। भूनते भूनते देखें इसका जो तेल है वो ऊपर आ चुका है। लास्ट में इसमें थोड़ा सा मैंने कुटी मिर्च 1 चम्मच डाला है। लास्ट में अगर आप कुटी मिर्च डालें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसे भून लिया, ये रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना।